हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं दूसरी तरफ इंडिया से मेरे भाई मेरे दोस्त अभिषेक मिश्रा जी। आपको इनके बारे में पता है, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, तो इनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम टू द शो मिश्रा जी, आपको नमस्ते। नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल आपके सभी दर्शकों को। और चूंकि बहुत आप मेरे शुक्रिया। बड़े भाई हैं, तो आप जब भी आदेश देंगे हम तो उपस्थित होंगे। बड़े भाई को तो ना कह नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। अच्छा अभिषेक भाई, आज आपसे हम जानेंगे, आप हमें बहुत ही अच्छी मालूमात देते हैं, हर चीज बड़े ही प्यारे अंदाज में हमें बताते हैं। आज हम आपसे ये जानेंगे कि अगर इंडिया में मोदी जी ना होते तो क्या आज इंडिया इसी पोजीशन में होता जिस तरह अभी तरक्की कर रहा है? अगर मोदी जी ना होते तो इंडिया की क्या पोजीशन होती? इस पर थोड़ा सा हमें बताइएगा कि मोदी जी के बगैर भी इंडिया क्या तरक्की कर सकता था? देखिए, हमारे यहाँ श्लोक में कहा गया, गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजाम्यहम् तदाम्यहम्। सो यानी कि मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है, इसका मतलब यह है कि जब जब धर्म की हानि, रिलीजन की नहीं, धर्म की हानि होगी, तब तब अच्छा, इसमें मैं अभी मैं काट रहा हूँ, धर्म और रिलीजन में फर्क क्या है, ये थोड़ा सा पहले हमें यहाँ बताएं। ठीक है, मैं इसका मीटिंग करके फिर आपको बताता हूँ। बहुत फर्क है, बहुत जमीन आसमान का अंतर फर्क है, और इसने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया भाइयों में, एक एक माँ के बच्चों में, वो भी मैं समझाता हूँ। सो इसका मतलब है कि जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं जन्म लूंगा, ठीक है ना। तो चूंकि भारतवर्ष पिछले कई साल से अपनी चेतना, अपनी अवधारणा, अपनी कहानी के लिए तरस रहा था, तो हम लोग इसको अवतार कहते हैं। अवतार का मतलब है कोई भी महान पुरुष, जिसको हम ये कहते हैं कि उसके अंदर दैवत्य है। दैवत्य का मतलब अच्छे गुण, राइटियसनेस, ठीक है ना। तो मोदी जी उसको सिंबलाइज करते हैं। मोदी जी ना होते ये तो होता ही नहीं, मोदी जी होते कोई, क्योंकि भारत, मोदी जी किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? मोदी जी एक इंसान है, हम एक इंसान है, आप एक इंसान है। आपके दिमाग में जो आपने सीखा आपके धरती से, आपके आसपास के एनवायरनमेंट से, आप वो हैं। आप जर्मनी में पैदा होते, मुजफ्फर भाई मुझसे जर्मन में बात कर रहे होते। आप फ्रेंच में पैदा होते, मुझसे फ्रेंच में बात कर रहे होते। आपका जो रिलीजन मेरे ख्याल से या तो क्रिश्चियन से होता है या तो कुछ और होता, हम वहां होते हम भी यही कर रहे होते। तो मोदी जी जो सीखे हैं वो चूंकि स्कूल नहीं गए, मोदी जी की सबसे अच्छी बात है कि वो कन्वेंशनल स्कूल नहीं गए, वो बच गए। तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा तो मैं बच गया, क्योंकि स्कूलों में तो पढ़ाने का काम जो है ना, वो क्या पढ़ा रहे हैं, जैसे आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ना, ये वर्ड मेटाफोरिकल भी यूज होता है, कुछ पढ़ा लिखा दिया है उसको, लगता है कुछ पढ़ा दिया है, समझ रहे। इसका मतलब होता है कि कुछ जी जी उसको जी उसको जी गड़बड़ जी पट्टी बढ़ा दी गड़बड़। गई है। हाँ, तो उन्होंने शिक्षा ली, उन शिक्षाओं को जिनसे हमें दूर कर दिया गया। हम इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं कि भारत की जो प्राचीन आइडेंटिटी है, जिसके कि हम वंशज हैं, हमारा जो तार है वो जो निकाल करके कुछ लोगों ने उसको रोमन यूरोप से जोड़ दिया, कुछ लोगों ने उसको अरबिया से जोड़ दिया, और कुछ लोग हैं जो वो तार लेकर के, जैसे माँ के पेट से जो वो बच्चा आता है तो उसकी नाली काटते हैं ना, वही है। तो हम उसको अपनी माँ से जोड़ने का वो कर रहे हैं। कोई कह रहा है तुम्हारी माँ अरबिया है, कोई कह रहा है तुम्हारी माँ यूरोप है, हम कह रहे हैं हमारी माँ ये मिट्टी है। खैर, चलिए इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन धर्म और रिलीजन, पहली बात तो ये समझिए भाषाएं क्या होती है। भाषा मतलब लैंग्वेज इज अ टूल टू एक्सप्रेस एंड कन्वे द मैसेज, बोथ एक्सप्रेस एंड कन्वे। अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं पता कि आप बोलना क्या चाहते हैं, और आप उसको कन्वे ही नहीं कर पाएंगे। जैसे पेट में दर्द है, डॉक्टर के यहाँ जाइए, वो साला पूछता है कैसा दर्द है। ये इतना बड़ा जटिल प्रश्न है कि आदमी की घोड़े खुल जाते हैं बताने में कि कैसा प्रश्न है। उसके अलग अलग एक्सप्रेशंस आ गए, कुछ कहते हैं बड़ा मीठा मीठा सा दर्द है, कुछ कह रहे हैं चुंग 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 हो रहा है वैसा दर्द है। मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते इसको। यू आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस अ फिनोमिना कॉल्ड पेन। अच्छा, डॉक्टर साहब, मुझे, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि मेरे पेट में दर्द है या मेरे मैदे में दर्द है। डॉक्टर पूछता है कि आपके मैदे में दर्द है या पेट में दर्द है, तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या बताऊं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मैदे में दर्द हो रहा है। नहीं, चलिए ये तो ठीक है, ये बात वो इसलिए नहीं हो रहा कि हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जब एक एक्सपर्ट पूछता है तो वो मसल में, टिश्यू में, स्किन में, वो अंतर कर सकता है, फैट में। हमारे लिए फैट, टिश्यू, स्किन, मसल एक चीज है,
लेकिन उनके लिए एक चीज नहीं है, मसल आप प्रोटीन करेंगे, मसल आप जैसे मसल का डेफिनेशन वो समझते हैं, तो दिस इज डिसर्नेबल, वो ये जानना चाहता है कि कहीं आपको टिश्यू का पेन तो नहीं है या उसके अंदर हो रहा है, तो आप थोड़ा सा शायद बता सके, बट दर्द क्या है उससे पूछिए, वो भी नहीं समझा पाएगा कि तुम बताओ दर्द की परिभाषा, तो हम बताएं कि कौन सा दर्द हो रहा है, कि गैस का दर्द है कि हार्ट अटैक का दर्द है, क्योंकि दोनों में इतना अंतर है कि एक जानलेवा है और एक जो है 10 मिनट परेशान करके छोड़ देगा। तो कुछ एक्सप्रेशन, मैंने जो कहा कि भाषा से दो चीजें होती हैं, एक्सप्रेशन और कन्वेंस, कि आप जो बोल रहे मैं समझू, तो अब यदि मैं खाली मुंह हिलाऊं या तो आप कह रहे क्या बोल रहे हो भैया, कुछ बता तो दो हमको, जो हम मतलब तो समझे उसका। साउंड इज नॉट लैंग्वेज, आवाज जो है वो जैसे कहते हैं हमारे यहाँ परिंदों को कहते हैं वो तो बेचारे बेजुबान है, बेजुबान नहीं जुबान है मगर वो साउंड है जिसको हम नहीं समझते। तो भाषा और साउंड में अंतर करना पड़ता है आपको, हर चीज जो मुंह से बोली जाए वो भाषा तो नहीं होती, ठीक है ना। खैर उसके डीप में हम उतना डीप एनालिसिस में नहीं जाते हैं। तो जब कई लैंग्वेज ह्यूमन सोसाइटीज ने बनाई, कई लैंग्वेज नेचुरली ग्रो हुई, ठीक है ना, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हूं, ये दीज हैव ग्रोन ऑर्गेनिकली एंड बाय देमसेल्व्स। तो जब ये लैंग्वेज बन गई तो हर लैंग्वेज में वो अपनी जो जो परिस्थितियां हैं उनको एक्सप्लेन करने का जो है वो तरीका उन्होंने चुना, और जैसी जैसी उनके यहाँ समाज बने गई वैसे वैसे शब्दों का निर्माण करके उन्होंने उन व्यवस्थाओं को या उन भावनाओं को एक्सप्रेस करने का तरीका चुना। हमारे यहाँ जो अरबिक या ये आप देख ले जो अब्राहमिक फेथ ऑफ थॉट हम जिसको कहते हैं, वहां पे पैगंबरवाद का कॉन्सेप्ट आया कि रिलीजन भगवान को देने के लिए किसी से बात करना पड़ता है, उसके थ्रू कानून भेजते हैं भगवान अल्लाह मियां। हमारे यहाँ और उससे ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी बनती है, अगर वो लॉ ही ना हो तो सोसाइटी ही नहीं बनेगी, बिना बाइबल के क्रिश्चियन नहीं हो सकते, बिना कुरान के मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन सनातनी बनने के लिए आपको वेदों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वेद में न माने तब भी आप सनातनी हैं या हिंदू हैं या भारतीय हैं। तो वो अलग व्यवस्थाओं का जो यहाँ पे धर्म की व्याख्या इंसानों द्वारा की गई। तो यहाँ पर एक, 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 एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि क्या कोई मुसलमान भी सनातन हो सकता है? यस, मुसलमान सनातन नहीं हो सकता, सनातन मुसलमान हो सकता, यूं समझ लें, मुसलमान सनातन नहीं हो सकता। मुसलमान होने की डेफिनेशन नेगेटिव है, ये करो और ये मत करो, करना भी जरूरी है और नहीं करना भी जरूरी है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह में आपका अटूट भरोसा होना चाहिए, तौहीद में आपका अटूट भरोसा होना चाहिए, और शिर्क में न करना भी आपका अटूट भरोसा होना चाहिए। तो आप अगर तौहीद को मानने वाले हैं और शिर्क कर रहे हैं तो आपका तौहीद बेकार है, फिर आपका कलमा गो होने का कोई फायदा नहीं है। सो दोनों है, पॉजिटिव आस्पेक्ट और निगेटिव आस्पेक्ट, एज अ साइंटिस्ट जब हम इसको पढ़ते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन एंड देयर इज अ निगेटिव ऑब्लिगेशन। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन मीन्स यू हैव टू डू समथिंग, निगेटिव ऑब्लिगेशन मीन्स यू डोंट हैव टू डू समथिंग। तो आपको दोनों करने हैं, लेकिन सनातनी जो है वो आपको नहीं माना कि तुम ये मानो, सनातन आपको ये बताता है आप इंसान हो तो ये आप में विघ्न या आप में ये गुण और क्वालिटी होंगे। जैसे आप क्या सुराए मोमिनी उनमें मोमिन की क्वालिटी दी गई है, हमारे यहाँ वेदों में इंसानों की क्वालिटी दी गई है, इंसान कौन होता है, आप क्या बता रहे हैं मोमिन कौन होता है, देयर इज अ डिस्टिंक्शन, ठीक है ना। हर इंसान मोमिन नहीं है और हर मोमिन इंसान है, ठीक है ना। एवरी मुस्लिम इज अ ह्यूमन बीइंग बट एवरी ह्यूमन बीइंग इज नॉट नेसेसरली अ मुस्लिम, हमारे यहाँ ये नहीं है। वेद आपको ये बताता ही नहीं है कि आपको करना क्या होगा वेद में बढ़ने के लिए, या आपको फलाना को मानना है। वेद कह रहा है, या अथर्ववेद हो गए, सिर्फ ऋग्वेद की बात नहीं कर रहे, अथर्ववेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, उसमें कह रहे योग करो। अब योग चाहे मुस्लिम, उसकी आस्था किसी भी भगवान में हो, आपको योग करने के लिए ये नहीं मानना है कि ये कोई स्पोकन वर्ड ऑफ द गॉड है। आप योग करें, आप उसकी भगवान में धेले भर का भरोसा ना करें, तो आप जो है फिर भी आपको लाभ मिलेगा। वो ये नहीं कह रहा है कि पहले तुम ये करोगे तो तुमको इसका लाभ मिलेगा। तो वेद धर्मा मींस प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग को डिस्क्राइब करता है कि भाई वो ऑब्जर्व करता है कि एक ह्यूमन है, कोई भी ह्यूमन हो, कहीं का भी ह्यूमन हो, उसके अंदर ये क्वालिटी होंगी, 5-6 उसके अंदर कमियां होंगी। क्या होगा? काम, मतलब सेक्स की लस्ट की डिजायर, फिजिकल अट्रैक्शन विमेन के प्रति, ये उसका नेचुरल फिनोमिना है, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, नेचुरली उसको सेक्स के प्रति आकर्षण रहता है। मोह, उसको चीजों के प्रति लगाव होना शुरू होता है, पैसे से, रुपया से, चीजों से, अपने घर, अपना ये। उसके बाद ईर्ष्या, इंसान में लोभ हो और काम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईर्ष्या,
वो स्वयं को तो श्रेष्ठ समझता है, दूसरे को वो निकृष्ट समझता है, वो उसे जलने लगता है। ये उसकी प्रॉब्लम, उसके कई दुख इंसानों के उस ईर्ष्या के कारण आते हैं। यदि वो ईर्ष्या करना बंद कर दे तो उसके कई दुखों का, क्योंकि उसकी ईर्ष्या का मेन रीजन ये होता है कि उसको ये है मुझे ये नहीं है, ठीक है ना। ऐसे 8-10 गुण हैं। क्रोध, क्रोध इंसान के अंदर होना एक, क्योंकि जब वो अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं कर पाता तो फिर वो उस इंद्रियां उस पे काबू कर जाती हैं। इंसान के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दो एस्पेक्ट है, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए या दिमाग आपको अपने कंट्रोल में लेके चलेगा। तो दो अप्रोच है। अब्राहमिक फोर्थ ये कहता है कि हम तुम्हारे दिमाग पे कंट्रोल करेंगे, हम तुमको बताएंगे तुम्हें कैसे रहना है कैसे करना है। धार्मिक अप्रोच ये कि तुम्हारे दिमाग की ये गुण है, तुम इस पे कंट्रोल अपने आप को इनसे दूर करके कर सकते हो क्योंकि ये तुम्हारा गुण है, ठीक है ना। तो अब तुम अपने दुखों से तुम दूरी जाना चाहते हो तो तुम धर्मा के, चूंकि ये तुम्हारी गुण है, चूंकि हर इंसान में लोभ होगा, कम या ज्यादा भले हो सकता है लेकिन हर इंसान में होगा, वो हर इंसान में काम की भावना होगी, हर इंसान में ईर्ष्या की भावना होगी, हर इंसान में जो है ये 5 जो अवगुण है या जो उसके गुण है, ये गुण बताए गए हैं इनको आप, मतलब दिस इज व्हाट, आदमी मर जाएगा तो उसके अंदर ये चीजें खत्म हो जाएंगी, मगर वो जब तक जिंदा रहेगा तो उनके अंदर ये चीजें रहेंगी। अब ये आता है कि एक इंसान के अंदर ये चीजें हैं, उसको इसको रेगुलेट कैसे किया जाए। तो दो तरीका है। अब्राहमिक फेथ का तरीका है कि दिमाग पे कंट्रोल करो, दिमाग पर डराओ उसको, ये इसलिए मत करो कि ये होगा। दूसरा धार्मिक ट्रेडिशन ये है कि अपने शरीर पे खुद से काबू करो, अपनी आत्मा पे काबू करो, क्योंकि यहाँ पे बॉडी और आत्मा को अलग अलग देखा गया, एनर्जी को अलग देखा गया बॉडी से। ये आप हाउ मेटाफोरिक, हाउ मेटा एनालिटिकल यू कैन गेट, जिसे कहते हैं मेटाफिजिक्स। देयर इज वन थिंग कॉल्ड फिजिक्स, अनदर थिंग कॉल्ड मेटाफिजिक्स। जैसे फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम रखा है मेटा। फिजिक्स इज वॉट इज व्यूड बाय नेकेड आईज, मेटाफिजिक्स वॉट यू कैनॉट व्यू थ्रू योर नेकेड आईज। क्योंकि आपको, हमको बहुत चीजें नहीं दिखती हैं, लेकिन जो नहीं दिखती है जरूरी नहीं है कि वो नहीं है। हमको नैनो पार्टिकल्स नहीं दिखते, हमको वायरस नहीं दिखते, हमको बैक्टीरियाज नहीं दिखते, बट दे आर द प्राइम रीजंस फॉर आवर डेथ। हमारी आंखों की और सुनने की क्षमता की बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है डिसर्नेबल वर्ल्ड को समझने की। आप समझे, अगर आप हमारे यहाँ, अगर आप फिलोसफी ऑफ क्रिएशन को पढ़ना चाहते हैं तो आपको कभी सांख्य दर्शन और एक और दर्शन है, मैं उसका देखिए नाम भूल गया, उसको जरूर पढ़िए कि क्रिएशन जो है वो क्रिएटर और क्रिएशन में क्या अंतर है। क्या ये इतना सिंपल है कि एक इंसान को क्रिएट कर देना और बस उसके बाद वही जो इंसान देख रहा है दुनिया का वही दुनिया है, जो वो समझ रहा है क्या वही दुनिया है। डिमेंशन जैसे 3-4 है, अभी तो और फिजिक्स आगे बढ़ दिए कि दे आर 7-8 डिमेंशन, और इंसान को उन डिमेंशन का आभास नहीं है। तो जब 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 कृति की गई तो पहले तो सिंगल सेल आया, तो हमारे यहाँ ये एक्सप्लेनेशन है कि सिंगल सेल से मल्टीपल सेल का क्रिएशन इसलिए हुआ क्योंकि क्रिएटर चाहता था कि आप उसकी क्रिएटेड वर्ल्ड को तो समझो। अभी तो हम आप जो देखते हैं अपने अपने नग्न आंखों से बहुत कम देखते हैं, क्रिएशन का 1/4 नहीं देख पाते हम, या कहले 1000 भी नहीं देख पाते कि ये जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज है, वो क्या मैग्नेटिक फील्ड है, क्यों होता है, ये हम तो नहीं देख पाते। तो जो थोड़ा सुलझे दिमाग के लोग हैं वो उसको समझ के बाद उसको प्रयास करने, उसको थ्योराइज करते कि देखो ऐसा इसलिए हो रहा है। ये जो थ्योरेटिकल अप्रोच है यही दुनिया में आपको महान बनाती है, ठीक है ना। तो धर्म जो है वो किसी भी चीज का, धर्म का मानव से लेना देना नहीं है। रिलीजन इज ओनली एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन, जानवरों पर रिलीजन नहीं लगता। रिलीजन होने के लिए आपको रिलीजन की चीजों को मानना है, धर्म ऐसा नहीं है। जैसे पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पानी का धर्म, अग्नि का धर्म, अग्नि का धर्म जलाना, पानी का धर्म गीला करना, ये गुण है। तो हमारे यहाँ पे कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं दिया गया कि ऐसा करोगे तो सनातनी बनोगे। वो कहा गया कि तुमको इंसान बनने के लिए अपने, तुम चूंकि तुम इंसान हो तो तुम्हारे अंदर ये व्याधियां, ये कंट्रोल होते हैं, और इसको अपने ऊपर तुम, अगर तुम सुख चाहते हो जीवन में, इसको कंट्रोल। अब ये कंट्रोल आप कैसे करेंगे, इसके लिए योग है, आयुर्वेद है, और भी कई चीजें हैं, भोजन के भी प्रकार बताए गए। आप जाए ना जिम में, आपको बता देता है कि जो खाओगे वो बनोगे। आज आप एक स्टैंडर्ड जिम में चले जाए यूरोप की, वो आपको सबसे पहले डाइट चार्ट देता है, यू हैव कम हियर फॉर वेट लॉस, वेट गेन, मसल, जो भी आयो खाना उस हिसाब से, प्रोटीन को खाओ, फैट को कम करो, ये करो। हमारे शुरू में कह दिया गया तुमको गर्म चीज मिजाज बनना है, तामसी भोजन, कई तरह के भोजनों का क्राइटेरिया है हमारे यहाँ कि ये तरीके के खाओगे भोजन तो तुम्हारी ऐसी मिजाज बनेगा।
जो तुम बनना चाहते हो, जो खाओगे वो तुमको दिखेगा, इतनी अप्रोच। तो हमारे यहाँ असल में क्या हुआ कि जब दूसरे लोगों ने हमें पढ़ा, तो चूंकि उनके जो ऋषि मुनि थे वो उनके पैस्टर होते थे, और पैस्टर सिर्फ और सिर्फ बाइबल के ही, या जो मौलाना उलेमा इकराम हैं वो सिर्फ कुरान के ही सुन्नत में देखेंगे चीजों को। कुरान से बाहर यदि वो कोई चीज एग्जिस्ट होती है तो उनकी मजबूरी होती है, उनको प्रूफ करना है कि वो गलत है। यदि कुरान कहता है कि धरती साकिन है और साइंस कह रहा है कि धरती मूव कर रही है, देन आपके जो उलेमा होंगे उनको वो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, हमारे यहाँ ये है, आप रिलीजन इज बिलीवर, धर्मा इज सीकर, ठीक है ना? सीख जाओ जो तुमको भगवान चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ कभी भी कई लोग आराम से कन्वर्ट हो गए, वो इसलिए नहीं कि आपके जो, जैसे हमारे यहाँ ये तो सच है ना कि अगर 80% लोग तलवार से कन्वर्ट हुए तो 10-15% लोग स्वेच्छा से भी कन्वर्ट हुए, ये बात में कोई झूठ नहीं है। लेकिन वो जो कन्वर्ट हुआ इसलिए नहीं कि वो जो सूफी थे वो बड़े प्यारे थे, वो इसलिए कि ये जो धर्म है जिसमें जिसको आप सनातन कहते हैं, ये बड़ा फ्लूइड है। वो ये कहता है कि तुमको अगर भगवान बंदर में दिखता है तो तुमको हनुमान पुराने हो, तुमको अगर भगवान चूहे में दिखता है तो गणेश जी तुम्हारे भगवान है। उसी तरीके से अगर तुमको किसी पैगंबर में भगवान दिखता है वो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा भगवान है, जाओ तुमको वो मुबारक हो। किसी को कुछ करने से नहीं रोकता, क्योंकि वो जानता है कि आपको उससे सुकून मिलेगा। अगर आपको उससे सुकून मिल रहा है तो फिर आप खुद ही उसका धारण कर लोगे। लेकिन जो अब्राहमिक फेथ है ये अपने से नहीं फैला, ये ऑर्गेनिक नहीं फैले, चाहे क्रिश्चियनिटी हो और चाहे चाहे इस्लाम हो, इनको तलवार उठाना पड़ा, क्योंकि आदमी अपने से इन बातों को नहीं समझ पाता। अब आप तलवार लेके अगर राजा को कहो कि भैया तुम कन्वर्ट करो नहीं तो जड़ देंगे, और राजा फिर उसके बाद बाकी धर्मों के लोगों को, उसको ये नहीं कहना कि तुम इस्लाम फॉलो करो, उसको ये कहना है कि जो इस्लाम नहीं फॉलो करेगा उसको जजिया देना पड़ेगा, तो सामने वाला इकोनॉमिकल रीजन से मुसलमान बन जाएगा। उसको इस्लाम का ही ना पता हो, उसको ये ना पता हो कुरान में क्या मैसेज आया, वो कह रहा भैया क्यों दे 40% ऐसे जिन खाने के पैसे नहीं है मेरे पास, तो उसको वो बन जाएगा। तो आप जब आप कन्वर्ट करते हो तो आप धर्म की बात नहीं करते हो, आप सिर्फ इंसान की बात करते हो। धर्म जो है ये पूरी सृष्टि की बात करता है, पेड़ का धर्म, पानी का धर्म, हवा का धर्म, मनुष्य का धर्म, जंग रिश्तों का भी धर्म होता है। जैसे हमारे यहाँ पति पत्नी का भी धर्म है। अब औरत हमारे यहाँ जो है वो ये नहीं कही गई कि औरत सुपीरियर है इंफीरियर है मर्दों से, औरत और मर्द को कहा गया अर्धांगनी, देखने का तरीका है ना, औरत हाफ मर्द हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी टुगेदर दे कंप्लीट ह्यूमैनिटी। अब आप दूसरा कह लोगे नहीं औरत तो नीचे का है कि तुम उसको खाना खिलाते हो, तुम उसको प्रोवाइडर हो तो तुम्हारी तो जूती के नीचे रहना चाहिए। एक ये फिलोसफी है, एक ये फिलोसफी है कि भाई चूंकि वो औरत है उसको मैंने ऐसा नेचर दिया है कि वो जो है सृजन में विश्वास रखती है, वो ममता में विश्वास रखती है, वो देना जानती है, क्योंकि उसको मन में होता है बच्चों को पालना, ये चूंकि ये उसकी मजबूरी है, उसको जन्म देना है तो कहाँ जाएगी वो नौकरी करने, अगर वो प्रसव की पीड़ा में है, बच्चे उसने जने हैं तो वो जने बच्चे कहाँ ले जाए वो। आप हमारे यहाँ देखें इंडिया में कभी कभी मैं देखता हूँ जब रोड बन रहे होते हैं, बेचारों में बेचारी एक माँ होती है वो रोड पे काम कर रही होती है और उसने एक चादर लुंगी टुपा बांध करके उसमें बच्चे रहते हैं, वो बेचारी उसको वो मजबूरी में कर रही है ना, अपने बच्चे को लेके आई है छाती का दूध क्योंकि उसके पास खाना नहीं है। लेकिन अगर उसको ये उसकी इच्छा होती है, औरतें मोस्ट ऑफ द औरतें इस जमाने में भी मैंने कई औरतों को सुना है जो कहती है कि हम काम नहीं करना चाहती, है बाई नेचर है उनका, क्योंकि वो परिवार का सुख देखना चाहती। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि वो चूंकि कामचोर है, तुम जाके मेहनत करोगे तो उसको तुम्हारे नीचे रहना पड़ेगा, एक ये फिलोसफी हो सकती है, ये ऑब्जर्व करने का तरीका है, जैसे आप देख लें इसको। दूसरा क्या कह रहे हैं कि आप उसके जब धर्म में जा रहे हैं कि स्त्री का धर्म क्या है, स्त्री ममता और मातृत्व का प्रतिनिधि करती है, स्त्री की जो पीड़ा सहने की क्षमता है वो पुरुष से कहीं ज्यादा है, तो आप यदि धर्मों का विभाजन करेंगे तो आप दोनों को इक्वल समझेंगे। लेकिन आप यदि ये देखेंगे कि वो तो बैठ के खा रही है और ये नहीं देखेंगे कि जो वो आपके बच्चे पैदा कर रही है, जो आपको सुख दे रही है, आपको सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक, मैं यहाँ पर एग्जांपल थोड़ी सी दूंगा कि रात को जब बच्चा रोता है 10 दफा रोए 20 दफा रोए 50 दफा रोए, माँ उठ के उसको देखती है, उसको दूध भी पिलाती है, उसको अगर बुखार है उसको मेडिसिन भी देती है, उसको पट्टियां भी करती है, सारा कुछ करती है। बाप एक दफा देख लेगा, 2 दफा देख लेगा, 3 दफा देख लेगा, 4थी दफा वो भी ये बोलेगा कि क्या इसको चुप नहीं कराती तुम, वो उसको डांटेगा, लेकिन माँ के चेहरे पे माँ के माथे पे
कभी कोई शक्ल नहीं आएगी कि वो परेशान नहीं होगी, वो बल्कि बच्चे की बीमारी की वजह से परेशान होगी, उसकी बेचैनी की वजह से वो भी परेशान होगी, वो भी बेचैन होगी, जबकि बाप जो है वो इस तरह नहीं कर सकता, वो दूसरी तीसरी दफा उठ नहीं सकता। ये बिल्कुल आपने ये इसके अंदर एक ऐसी सलाहियत औरत के अंदर डाली गई है कि वो ज्यादा मर्द से ज्यादा उसके अंदर जो मैं समझता हूँ कि ताकत और कुव्वत है। यही उसका धर्म है, यही हम कह रहे हैं, रिलीजन नहीं उसका धर्म, क्योंकि ये उसका गुण है, वही उसको स्त्री बना रहा है। आप समझ, अब मैं आपको एक ओरिजिनल केस पढ़ा बताता हूँ। मैं चूंकि ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो मैं ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ एक बार पढ़ा रहा था। तो एक क्राइम में लॉ होता है, फिर उस अगर कई फैक्ट ऐसे वैसे भी होते हैं कि अगर आपने कोई क्राइम किया भी है, उसमें कुछ अगर एग्जोनरेटिंग सर्कमस्टांसेस हो, तो उस क्राइम को थोड़ा कम कर दिया जाए, डिमिनिश कर दिया जाए, सजा कम कर दी जाए। तो उसमें एक है कि अगर कोई किसी की हत्या कर दे और वो प्रोवोकेशन हो, तो उसमें जो है उसको ये नहीं कहेगा कि मर्डर किया, इसने हत्या तो कर दी, गलत काम तो किया, मगर इसको सजा कम दो क्योंकि प्रोवोक्ड हो गया था। तो एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ इंग्लैंड में, मुजफ्फर भाई, वो केस कुछ ऐसा था, उसके फैक्ट्स बड़ा इंटरेस्टिंग। दो कपल थे, प्यार किए, अटूट प्यार हुआ दोनों में, शादी हुई इंग्लैंड में, बच्चे हुए, बच्चा लड़का पैदा हुआ, बाप ने जा करके दुनिया भर में अपने पैसे बांटे और वो खुश खुश एकदम पागल हो गया खुशी से वो। लेकिन ये पता चला है बच्चे को जन्म देने के बाद कि इसकी माँ के स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसको ठीक होने में 6-7 महीना 1 साल लग सकता है, हो सकता है हो भी ना। तो अब क्या हुआ कि बच्चे की सारी जिम्मेदारी बाप पे आ गई, माँ सिर्फ उसको दूध पिला सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी, बेड रिडन हो गई, बिस्तर पे पड़ गई। बाप ने कहा कोई बात नहीं, शुरू का तो चार्म था, बाप ने कहा मैं दोनों दोनों की वो करूंगा, बाप खुश था। तो हुआ ये कि वो जब भी दूध पीने का है माँ को दे दे, और बच्चों में और भी चीजें होती है। तो क्या हुआ कि उसके ऊपर दो जिम्मेदारियों का बोझ इतना पड़ा, और वो बच्चा चूंकि नया नया बच्चा होता है तो रोता भी कई कारण से, कई बार पेट दर्द हो रहा, ये हो रहा, जो उसको डिसर्न नहीं हुआ, एक नए बाप को नहीं समझ में आ रहा था, वो रोए, अब वो सो ही ना पाए, कभी बीवी को पानी दे, कभी बच्चे का, वो 1-1.5 हफ्ता सो ही नहीं पाया अच्छे से, थक गया, फटीग आ गया उसके अंदर। फिर उसने क्या किया कि वो एक बार ऐसे ही वो आंख उसकी झपक रही थी, वो बच्चा टह टह कर रहा था, उसने उस बच्चे को जमीन पे रखा, 7-8 दिन का बच्चा, उसके मुंह पे अपना घुटना रख दिया, और तब तक वो रखा रहा जब तक वो चुप नहीं हो गया, बच्चा मर गया। स्त्री नहीं करती ऐसा। क्वेश्चन हालांकि लीगल बहुत उठा इसमें कि क्या ये प्रोवोकेशन माना जाए, ये नहीं माना। अब मैं आपको अपनी कहानी सुना दूं, मैं भी बाय नेचर बड़ा वो हूँ सिंपथेटिक, मतलब कोई अगर दुखी हालत में हो तो मेरे आंख अपने यूं आंसू निकलने आते हैं, आप क्या मतलब इतना सेंसिटिव हूँ मैं। तो मैं प्रोफेसर नया नया लगा था, 29-30 साल का था, इंडिया कलकत्ता की बात है, क्लास के बीच में ब्रेक होता है 15 मिनट का, 9 बजे से 10 बजे तक, 9 से 9:45, फिर 10 से 10:45 ऐसे क्लास चलती थी हमारी। तो 9:45 ही क्लास लेके मैं नीचे आया सिगरेट पीने के लिए, उस समय मैं सिगरेट पीता था, तो सिगरेट पी रहा था मैं, तो देखा मैंने कि दो अंधे लोग आ रहे थे, तो मैंने देखा कोई मदद नहीं कर रहा सड़क पे, कोई नोटिस नहीं किया उनको, मैं गया उनके पास, मैंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम स्कूल जा रहे हैं, हमारा नया सेशन आज से शुरू हुआ है। हमने कहा हाँ हाँ मुझे पता, यही 100 मीटर की दूरी पे है स्कूल, मैंने कहा चलो मैं दिखा देता हूँ, नए नए बच्चे आए थे, नया एडमिशन था, मैं गया उनको ड्रॉप कराया, तो उस बीच में मैंने सिगरेट पतंग कर ली, बड़ा अच्छा लगा मुझे, अच्छा काम किया, चलो वापस आया। जैसे ही मैं वापस आके गेट में घुसने वाला था, मैंने देखा दो तीन और आ रहे हैं, मैंने कहा यार अब ये बेचारे भी नए सेशन में, अब तो मुझे पता चल गया था, मैं कैसे इग्नोर करता, मैं उनको भी गया छोड़ने। अच्छा अब जब मैं उनको छोड़ के आया, तब तक मैं अपनी क्लास के लिए 2 मिनट लेट हो चुका था, जैसे मैं घुसने वाला था गेट पे, यानी ये सच बता रहा हूँ, एक एक स्टोरी, एक 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 सेकंड सच की बात है ये। तीसरी बार मैंने देखा कि और आ रहे हैं, और इस बार तो औरतें आ रही थी, मैंने उनको भी ड्रॉप किया। और जब मैं आया इस बार, तो मेरे मन में आता कि कोई और ना दिखे भगवान, कोई और ना दिखे भगवान, कोई और ना दिखे, और मुझे दिख गया, मैंने इग्नोर कर दिया। अच्छा, आपने कहा खुद ही पहुंच जाएंगे वो। वो खुद ही पहुंचे, मैं नहीं जाऊंगा। आप समझ, इंसान के अच्छे होने की लिमिट, धर्म और आपकी रियलिटी, इंद्रियों पे काबू, तो यानी आपको एक लिमिट सुना होती है, एक लिमिट होती है हर चीज की, एक लिमिट होती है। हर किसी की अच्छे बनने की एक लिमिट होती है, किसी चीज को मानने से आप अच्छे बुरे नहीं बन जाते। तो पॉइंट ये कि आप अपनी इंद्रियों पे कितना कंट्रोल कर पाएंगे। सनातन, हर कोई सनातनी है, आप भी, क्योंकि सनातन नहीं कह रहा कि तुम्हें भगवान को आप मत, मैं नहीं मानता भगवान को भाई,
मैं सनातनी हूं, मैं तो मैं कल्चर एक, आप भी आप मानो ना मानो, आप भारतीय कल्चर का बात करो, लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। आप उर्दू बोल रहे हो, उर्दू किस तुर्किश और अरबिक वर्ड में, आप अपने आप पाकिस्तान कोई नेशन तो है नहीं, नेशन तो तुर्किश है और अरबिक है, यही दो इस्लामिक नेशन है मेन, और या तो इंडोनेशियन है उधर। आप किस में से आते हो, आपका नेशन तो हिंदुस्तान है ना, आप जाकर के तुर्किश खाना नहीं खा पाओगे, अरबिक शोरमा नहीं ज्यादा दिन एंजॉय कर पाओगे, उनके अचार जो होते हैं अरबी अचार आप नहीं खा पाओगे, वो पिकल लाते हो मेडिटेरेनियन वाले, वो बिना जैतून के तेल के खाना नहीं खाते, आप जैतून का तेल यूज ही नहीं करते, आप सरसों यूज करते हो या सोयाबीन या तो सनफ्लावर यूज करते हो। जी तो आप ये सब चीजों को कह दो यूज करते हुए कि हम इस्लामी, हमारा कल्चर दूसरा है और हिंदुस्तानी कल्चर हमारे यहाँ घुसेड़ रहे हो तुम। आप जी रहे हो हिंदुस्तानी कल्चर, उसको मानने को खाली आप तैयार नहीं, जो सरसों का तेल खा रहा है इस रीजन में वो हिंदुस्तानी कल्चर का है, जो चावल उबाल करके रोटी उबाल कर रोटी बना करके खा रहा है वो हिंदुस्तानी कल्चर का है। अब आप ना मानो, जो मसाले आप यूज करते हो जाके देख लो तुर्किश में, या वो मसाले वहां यूज होते हो तो मैं मान जाओ, चावल ये आधा कच्चा पकाते थे। एनीवेज, आप इंडियन नेशन के पार्ट हो, आप डिनाई करते, आप नहीं मानना चाहते, उर्दू को नहीं बोलोगे इंडियन है, आप उर्दू को लिखने के लिए देवनागरी लिख सकते थे, मगर नफरत इतनी है अपने आप से कि वो लिपि भी आपने अरबी चुन ली। तुर्कों ने जब डिसाइड किया, आप देखिए देखिए ओटोमन का क्या हुआ, जब ओटोमन अंपायर टूटा तो अतातुर्क से पूछा गया, भाई कौन हो तुम, क्योंकि तुम तो सेंट्रल एशियन हो, रहते यूरोप में हो, तुमने यूरोप पे कब्जा किया हुआ है, तो पूछा हम कौन है, तो अतातुर्क ने कहा हम तुर्किश है, लेकिन चूंकि हम रहते यूरोप में है तो हमें यूरोप से अपनी कॉर्ड को तोड़ जोड़ना होगा, हम अरबी नहीं है। तो उसने तुर्किश भाषा को लिखने के लिए रोमन लैंग्वेज का यूज किया, आप जाके देखा कि ये तुर्किश जो है एबीसीडी यूज करते अपनी भाषा को लिखने के लिए। आपने रोमन क्यों नहीं चुनी उर्दू को लिखने के लिए, आपने जो अभी मुझे मैसेज किया वो लिखा हिंदी या उर्दू, मगर आपकी स्क्रिप्ट तो रोमन थी, आप मुझे अस्सलाम वालेकुम भी रोमन स्क्रिप्ट में लिख के भेजते हैं, तो स्क्रिप्ट यूरोपियन यूज करते हैं, लैंग्वेज अरबी यूज करते हैं और कम्युनिकेट इंडियन से करते हैं। अब आप सोचिए, आप समझ रहे हैं, तो जी मैं समझ रहा हूँ। बेसिकली हुआ ये कि जब लोगों को आप कन्वर्ट करते हैं तो उनको अलग तो दिखाओ, कन्वर्ट होने से होता क्या है, यही समस्या थी यहाँ के लोगों की। तो ये 700-800 साल से जब से इस्लाम आया, इनको अलग दिखाने के लिए इनके मन में इस्लाम नहीं टीच किया गया, इनको इस्लाम का कुछ नहीं पता है, ना आपके यहाँ इस्लाम का कुछ पता है ना हमारे यहाँ पता, इनको एंटी हिंदू बना दिया गया। गाय से आखिर मैंने नहीं देखा एक अरबी तड़प रहा हो कि मुझे गाय काटनी है, एक तुर्क तड़प रहा हो कि मुझे गाय काटनी है, वो घोड़ा काटने पे तुला हुआ है। आपके यहाँ घोड़ा जीवा होता है, आप अभी बकरी में वहां घोड़े जीवा होंगे मुझे पता है, और अरबी ऊंट काटेगा, आप गाय काटोगे, आपका इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है, आप समझ भी नहीं सकते, उन कल्चर के नहीं हो, आपको लॉज बताए जाते हैं ये करो, अब कोई अब रोजा है और पेट में गैस है तो अब क्या करें, बाहर निकालें, पेट में ही रख लें, टूट तो नहीं जाएगा, अब ये क्वेश्चन है तो अब क्या करें इंसान, अब है मुस्लिम है, अब एक हिंदू से प्यार हो गया है, क्या करें, करें कि ना करें, वो किसी यहूदी का जो है आंख ले लें कि ना ले लें, हम अंधे हैं, वो जो दान दे रहा है वो यहूदी है, करें कि ना करें, अच्छा हम किसी को अपना आंख दे दें जिसको दे रहे हैं वो तो हिंदू है, वो मुस्लिम आंख से देख लेगा तो क्या होगा। आप समझ रहे हैं, इन समस्याओं जी का निवारण कहाँ मिलेगा उसको, बेचारा आलिम आलिम के पास जाएगा, अब आलिम साहब बताएंगे नहीं आंखें तो मुसलमान होती है, हिंदू को देखोगे वो कलमा नहीं पढ़ोगा, वो आंख तुम उसको दे नहीं सकते, आप समझ रहे हैं, दूसरा आलिम साहब क्या कहेंगे आपको, आपके थॉट इंटरप्रिटेशन की बात है, आलिम साहब ये कहेंगे तुम्हें तो ऊपर जाना है, बिना आग के जाओगे तो तुम खूबसूरत ही नहीं लगोगे यार, सब कुछ ऊपर जाएगा तुम्हारा, तो कुछ नहीं डोनेट करना है, आप समझ रहे हैं ना, जैसा इंसान को बना दे, हमारे यहाँ जैसे मैं बॉडी डोनर हूं, मैंने सब दान कर दिया, कल को मैं मर मुरा जाऊं तो ले लो भाई मेरा, क्योंकि यहां डर नहीं है कि वहां कुछ करना है, आप समझ रहे हैं, तो जब हमको यही नहीं मिला तो वहां क्या करके कर लेंगे हम, तो पॉइंट ये है कि आप जैसा तो धर्म जो है वो यही है, धर्म बहुत विकृत व्यवस्था है, धर्म डिस्क्रिप्टिव है, रिलीजन प्रिस्क्रिप्टिव है, रिलीजन बताता है क्या करना है तुम्हें,
और क्या नहीं करना है। धर्म बताता है कौन हो तुम, हु आर यू। जब आपके मन में ये प्रश्न हो, मैं कौन हूं, तो आपको एक भाई तुम दुनिया में क्यों भेजे गए हो, अल्लाह की इबादत करने के लिए, ये आपको आंसर है। क्यों भेजे गए हो, अल्लाह ने भेजा है ताकि उसकी इबादत करो, और इबादत कैसे करोगे तो उसके बताए हुए नियमों को मानो, वो नियम को मानो और सबको अरबी सिखा दो तो अल्लाह खुश हो जाएगा। ठीक है ना, तो पूरे पूरे के पूरे बर्रे सगीर में अरब आ जाए और लोकल लैंग्वेज उसका सर्वनाश हो जाए तो अल्लाह खुश हो जाएगा। वो तुर्कों से नाराज नहीं है कि वो बेचारे अपनी लैंग्वेज में वो अरबी नहीं प्रमोट कर रहे हैं, अरबी प्रमोट करने का जिम्मेदारी खाली हिंदुस्तान के लोगों का, योग न करो अल्लाह नाराज हो जाए। इस्लाम में अभिषेक भाई ये भी है कि दूसरों के काम आओ, दूसरों की खिदमत करो, ये सारी चीजें भी बताई गई है इस्लाम के अंदर। वो दूसरों के आप काम आएंगे तो उसके साथ भाई, देखिए अब मैं नहीं जाना चाहता, अब इंटरप्रिटेशन में आप मुझे वो फोर्स कर रहे हैं। अगर आप दूसरों से मजबूर कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि आप जब यहूदी से दोस्ती ही नहीं रखनी तो उसके काम कैसे आएंगे आप, जब शिर्क वाले से आपको दोस्ती नहीं रखनी है। वो एक महोदय मैं सुना था यूट्यूब पे बता रहे थे कि अगर कोई तुमको हिंदू बोल दे हैप्पी दिवाली तो अब तुम कैसे ग्रीट करो, तो वो कह रहे टू यू दिवाली भी मत बोलो, हैप्पी भी मत बोलो, बोलो टू यू, तेरे को। मैं यार वो मुझे जब भी मैं सैड होता हूँ मैं वो वीडियो देखता हूँ उठा करके, यार देयर कैन बी फन। तो कह रहे तेरे को ये भी दिवाली नहीं बोलने का, वो उसका दिवाली बोला था तू शामिल हो गया, तू शिर कर रहा है। आप इंटरप्रिटेशन की बात है ना, तो भाई बात ये है कि आप ये वाला चक्कर चला दीजिएगा। मतलब इसमें मेरे कहने का है कि आपको जब साफ है इस्लाम आया ही इसलिए कि इंसान को दो भाग में बांटो, जो मानने वाला है और जो नहीं मानने वाला है। अगर सबकी हेल्प करनी थी तो इस्लाम की जरूरत क्या थी, जो एग्जिस्टिंग था वही बहुत था, फिर कौन कहां से बनेगा, फिर उम्मा कहां से बनेगा। जब तक आप मानेंगे नहीं उसकी, आप अगर आपको मान लीजिए एक काफिर की हेल्प करनी है तो इस्लाम की जरूरत ही क्या है फिर आपको, तो ये डिस्टिंक्शन ही नहीं करना कि काफिर की हेल्प करो या मुसलमान की हेल्प करो, तो इस्लाम का फायदा क्या होगा फिर आने का। आपके पास पैसा है आप एक गरीब हिंदू को दे दीजिए, उसका भला हो जाए, वो जाके उससे मंदिर बना दे, अब आप क्या करेंगे। आपके लिए तो बड़ी धर्म संसद हो जाएगी भाई, क्या आप मुसलमान की वजह से मंदिर बन गया। अब ये तो सलाह अलग एक हो गया, कुफर हो गया हमसे। तो देखिए आप इतनी थ्योरी दे दी है मौलानाओं ने और ये को बताने वालों ने, जिन्होंने उसको जब हम कोर्ट केसेस पढ़ते हैं ना तो हमारी एज अ लॉयर हमको पैसे क्यों दिया जाता, हालांकि मैंने लॉयरिंग छोड़ दी, वो इसीलिए कि हम जज साहब के डिसीजन में बताते कि देखिए आप जो ये कह रहे हैं ये ऐसे होगा, इसको मैं ऐसे खत्म करता हूं आपको बोल करके। हमारे यहाँ एक बड़ा केस हुआ फेमस, लॉयर्स आर द फाइनेस्ट ब्रेन ऐसे नहीं कहा जाता, जो अच्छे लॉयर है। हमारे केस हुआ, उसमें क्या हुआ, एक लड़की 17-18 साल की रही होगी, उतने ही उम्र के लड़के के साथ भाग गई गांव में कहीं महाराष्ट्र के किसी गांव में, तो भाग गई। अब वो अब बच्चे पैसा लेके भागे होंगे, पैसा वैसा खत्म हो गया, इतनी उम्र में क्या पता होता है, आपको भी पता हमें पता, बच्चों को जो भी उनका अपना रहा होगा चार कब के बेचारे पैसे वैसे खत्म हो वापस आ गए गाँव। इस बीच में दोनों के माँ बाप ने पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखा ली थी, बेटे वाले ने लिखा कि मेरी लड़की को किडनैप कर लिया, लड़की वाले ने लिखा कि मेरी बेटी को लेकर भाग गया, पुलिस के पास मैटर था। पुलिस ढूंढने उन्हें तो जाती नहीं है, वो तो सो रही है कि भागे तुम्हारे बच्चे हमारे का लिए, पुलिस वालों के पास काम थोड़े है ये इतना खाली समय। खैर वो आ गए तो पुलिस के हाथ में तो वो पकड़ के ले आए, हम पकड़ के ले आए। उसके बाद क्या हुआ कि जब बच्चे आए तो इन्होंने सूचना दिलवाई दोनों के माँ बाप को गांव में कि बुलवाओ उनको, बोलो उनके बच्चे आ गए। तो लड़के वाले आए तो लड़के वाले को लड़के सौंप दिया, बोला ये तुम्हारा बच्चा, दो देखो हो गया ठीक है जाओ, जब सुनवाई होगी तो आना या कुछ हम अगर केस करेंगे तो आना। लड़की वाले बैठे रहे, लड़की वालों से कहा अरे आपकी बेटी तो गई, जाइए उसको छोड़ दिया, पहले ही लड़की थी ना इसलिए। तो ये बेचारे खुशी खुशी घर आए, देखे लड़की नहीं थी वहां पे, दो तीन घंटा फिर परेशान हुए, फिर आए तो देखे कि लड़की छत विछत हालत में, मतलब उसका कपड़ा फटा हुआ और ऐसे हालत में वो जो है आई थी घर। लड़की ने बताया कि पुलिस थाने में उसके अंदर रेप हो गया, तीन पुलिस वालों ने रेप किया। तो ये मैटर कोर्ट में, अब जब ये मैटर कोर्ट में गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि हाँ इन तीनों हवलदारों ने रेप किया है, ये रेपिस्ट हैं। हाई कोर्ट ने भी कहा हाँ हाँ ये भी रेपिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट में बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई रेप के मतलब है कि कंसेंशुअल सेक्स नहीं होना चाहिए,
अब पूरा गेम आता है कि कंसेंट हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज मेडिसिन से सेक्स हुआ कि नहीं हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन से, ये तो प्रूफ हो गया था। क्वेश्चन ये बना कि भाई क्या ये जो हुआ ये कंसेंशुअल हुआ या नॉन कंसेंशुअल हुआ। अब आप एक लड़की ने आपको कंसेंट दी है, ये आप कैसे पता करेंगे? दुनिया का सबसे कठिन टेस्ट है। दुनिया का कोई एक्सरे नहीं आया जहां पे दिमाग में घुसेड़ दीजिए वो बात पता चले कि हाँ उसने कंसेंट दी थी कि नहीं दी थी। तो ये सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, इसको पता लगाने के लिए नॉर्मली आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव मतलब जिसको आप देख सकते हैं फील कर सकते हैं, वो क्राइटेरिया से आपको ये अनुमान लगाना पड़ता है कि हाँ इसने इसके मन में ऐसा चल रहा होगा। तो जैसा आपने कहा कि भाई देखो जरा मेडिकल रिपोर्ट में पुलिस वालों के ऊपर चोट लगी थी, कोई खरोच वरोच जब मेडिकल हुआ हो, तो नहीं कोई मेडिकल नहीं आया था। ठीक, तो जैसा आपने कहा यार मेडिकल नहीं आया था, और अगर लड़की रजिस्ट कर रही होती तो छपट्टा मारती कुछ मारती, नाखून वाखून के निशान होते, ये तो कुछ है नहीं, छोड़ दो इन सबको, इसका मतलब कंसेंशुअल है। एक प्रोफेसर साहब ने पढ़ा इसको, उन्होंने जज साहब को एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा जज साहब जरा आपकी जो डिसीजन दिया, आपने निर्णय दिया, उसको जरा हम फिर से रिविजिट करते हैं। आपका निर्णय ये है कि ये लड़की इन तीनों के साथ कंसेंशुअल सेक्स किया, इसलिए रेप नहीं है। कहानी क्या थी कि लड़की भागी थी एक लड़के के साथ प्यार में पड़ के, ठीक। चलिए अब आपके हिसाब से लड़की और लड़के का ब्रेकअप हो गया और दोनों थाने में आ गए। थाने में वो लड़की आती है और इन तीन पुलिस वालों को देखती है, और देखते ही इनके प्यार में पागल हो जाती है। इतनी पागल होती है कि वो तीनों के साथ एक ही समय में सेक्स करना चाहती है, थाने में, घर भी जाना नहीं चाहती वो। और उसके बाद उसकी आग, उसके देह की जलन इतनी ज्यादा थी कि वो कहती है हमसे पुलिस स्टेशन के, क्योंकि जो जहां पे हुआ तो पुलिस स्टेशन का बाथरूम था, पुलिस स्टेशन कितने नटोरियसली गंदे होते हैं हमारे और आपके यहाँ पे, आपको पता है, ठीक है ना, नटोरियसली आप बाथरूम में जा नहीं सकते। तो वो पुलिस फोर्स प्रोफेसर साहब ने लिखा कि ये लड़की के अंदर कामुकता इतनी ज्यादा थी कि ये बेचारी 2 घंटा वेट कर लेती, उनके घर चली जाती, इनको अपने घर बुला लेती, तीनों को अलग अलग जाके मिले थी ना भाई जज साहब, इसकी तो वहीं इसको करना था, यू ऑन द स्पॉट तीनों के साथ, आपके तो डिसीजन का यही मतलब है। होता यह है कि जब आप निर्णय दे रहे होते हो और अगर आपकी एनालिसिस के एंगल्स को आप नहीं खंगालते हो तो आप इस तरीके के सतही डिसीजंस देने शुरू करते हो जो समाज में सोचने वालों की जरूरत होती है, जो हर एंगल को सोच सके कि आप जो कह रहे हो उसके और क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। और ज्यादातर लोग जब उन कॉन्सिक्वेंसेस को सुनते हैं तो वो करा देते हैं चुप, क्योंकि उनके पास आंसर नहीं है। तो आप अब इसके बाद इतना हो हल्ला मचा कि इंडिया में लॉ ऑफ एविडेंस को चेंज करना पड़ गया, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के जज को तो आप हटा नहीं सकते, डिसीजन देना उनका राइट है। तो बस मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं कि धर्म जो है ना बहुत वृहद है, धर्म आपका भी है, आप एक बेटे हैं ना, आपके बेटे होने का धर्म आपको निभाना है अपने बाप के लिए, आप मुसलमान हो तो क्या हुआ, धर्म आपका पितृ धर्म वही रहेगा, आपका पितृ धर्म वही रहेगा, आप बाप हैं तो आपको अपने बेटे की भलन पोषण करनी ही करनी है, आप एक बेटे हैं तो आपको अपने माँ बाप का सेवा करना ही करना है, बेटा कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई शूद्र अशूद्र, मैं शूद्र भी हूं तो भी मैं अपने बेटे बाप का वही सेवा करूँ, इसका क्या लेना देना है कि उसको किससे मतलब है किससे नहीं मतलब है। तो कोई मुसलमान हो जाएगा उसका धर्म चेंज हो जाएगा, आप मुसलमान हो जाएंगे तो अपने बाप को आप प्यार नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे। और अगर कोई बात इस्लाम के आने से पहले कह रखा है कि बेटे की ड्यूटी है बाप के सेवा करना, उसकी उसकी देखभाल करना, तो आप उसको कहेंगे ये गलत है क्योंकि ये किसी और ने बताया है, चूंकि वह आपके आने से पहले आ चुका था। आपका धर्म नहीं चेंज कर सकते आप अपना पंथ चेंज कर सकते हैं, आप अपने को ये कह सकते मैं नहीं मानता ये इनके जो इतने भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें नहीं मानता मैं, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ अल्लाह में, बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, आप उनको माने। लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि अब मैं अल्लाह को मानता हूँ तो अब मैं इनके सारे काम नहीं करूंगा, क्योंकि अपने बाप ये बेटे का फर्ज है कि जिसको आप फर्ज कहते हैं, बेटे का धर्म है कि वो सेवा करे, तो आप कहेंगे नहीं मैं मुसलमान बन गया मैं नहीं सेवा करूंगा, ये कैसे आप कर देंगे? आप सेवा करेंगे, आप उसको इस्लामिक कह रहे होंगे, मगर जो चीज इस्लाम के आने से पहले एग्जिस्ट करती थी वो तो इस्लामिक नहीं होगी ना, वो तो प्री इस्लामिक होगी। बेटे को बाप की सेवा करनी चाहिए, यह इस्लाम ने सिखाया।
पति का, माँ का और पिता और बेटे का, और क्या एक दूसरे के पति धर्म है, वो मातृत्व धर्म क्या है, पितृत्व धर्म क्या है, स्त्रीत्व धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, शिक्षा स्टूडेंट का धर्म क्या है, ये सब चेंज हो जाएगा। धर्म आपका वही है, धर्म एक है, रिलीजन बहुत है, धर्म तो एक ही रहेगा भाई। पानी का धर्म गीला ही करना रहेगा, मुसलमान भी पिएगा तो पानी है उसका प्यासे बुझाएगा भाई, वो थोड़े कहेगा वो मुसलमान है तो पानी को हमारे साथ तो कुछ और बिहेव करना पड़ेगा। धर्म नहीं परिवर्तित होते, वेदों ने धर्म बताया, भारत ने दुनिया को धर्म दिया है, ये समझाया, योग करोगे तो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, अथीस्ट हो, तुमको लाभ ही होगा। यही है धर्म और रिलीजन का अंतर। बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, आपने बड़े तफसील से हमारे तमाम देखने वालों को बड़े ऐसे अंदाज में समझाया कि एक एक शब्द आपका, एक एक जो लफ्ज था, वो दिल के अंदर और दिमाग के अंदर वो सही तरीके से घुस रहा था, समझ आ रही थी हर चीज की। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही हम सब हमारे दर्शकों को ज्ञान अपना बांटते रहिए। ज्ञान हमारे यहाँ पर यह है कि इल्म या ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना बढ़ेगा, और मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे आप ये इस तरह की इल्म वाली और ज्ञान वाली बातें करें, आप और ज्यादा आपके अंदर से इल्म और ज्ञान का जो दरिया है बाहर निकल रहा है। तो आप बहुत शुक्रिया आपका, मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत चाहूंगा आपसे भी। अल्लाह हाफिज आपके सभी दर्शकों अल्लाह का। हाफिज, अल्लाह हाफिज।